नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में बात कर रहे हैं। जानते हैं पब्लिक से कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के बारे में पब्लिक का क्या कहना है। 3-4 सालों से संत जी अब समाज में उस तरीके से लोगों के बीच में नहीं है, अब समाज के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं सीधी बातचीत करके। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रिंकू है। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं बीए फाइनल कर रहा हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं डेरा सच्चा सौदा से 10-12 साल से जुड़ा हूँ जी। सर डेरा सच्चा सौदा का माहौल कैसा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। हम सेवा पर जाते हैं और बहुत ही खुशी मिलती है जब वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही संगत को सेवा करते देखते हैं, जब मन भी खुश होता है। सर आपकी आपका परिवार भी जाता है? हाँ जी, मेरे मम्मी डैडी बहुत 10-12 साल से ज़्यादा हो गए वैसे जाते हैं वहाँ से। सर बहन बेटियाँ भी जाती हैं? हाँ जी, मेरी सिस्टर सेवा पर 15-15, 20-20 दिन लगा कर आती है। सर बेटियों को लेकर माहौल कैसा रहता है आश्रम में? जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जैसा मीडिया ने दिखाया भी वहाँ पे ऐसी दिक्कत है कोई बेटियों के साथ जैसे गलत व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सभी अच्छे से सेवा करते हैं और जाते हैं। हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं देखा जो मीडिया ने बताया है। आपका क्या कहना है फिर जो इतने आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में क्या मानना है आपका? देखो जी ऐसे है, जब भी कोई भी समाज में गुरु लाल हो, जब कोई भी फकीर आते हैं और जैसे कोई भी बुराइयों से डुबाते हैं, लेकिन इस पे सरकार का ला लो, नशे से ला लो, जैसे नशे उनके बंद हो रहे हैं और जिस पे सरकार का इफेक्ट पड़ता है उनकी कमाई पर, ला कमाई जैसे ही रुक रहे नशा छोड़ते हैं जैसे जवान और उनकी कमाई में इफेक्ट पड़ता ही, इसलिए वो इन्हें। सर आपका क्या कहना है अभी, मतलब क्यों गुरुजी के ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मतलब गुरुजी के बारे में ही ऐसा मीडिया में क्यों दिखाया गया? गुरु के बारे में ऐसे ही उन्हें लगता है भी आगे ये कुछ करने दे राजनीति वगैरह में, जा कैसे भी आगे कुछ नशे वगैरह छिड़वा रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। बीजे सरकार नहीं चाहती बीजे कोई भी देश का नौजवान नशे छोड़े ही और आगे भर्ती वगैरह जब और जॉब वगैरह में। सर फिर एक्चुअली में गुरुजी का नेचर कैसा है, गुरुजी का कैसा स्वभाव है? स्वभाव बहुत अच्छा ही। सर 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब 3-4 सालों से जैसे गुरु नहीं आई, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है देश में जी, और ये हमारी बहनों पर ला लो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण समाज में बहुत ही लड़कियों का बाहर जाना बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है लड़कियों पर। जरूरत है सर आज उनकी समाज? हाँ जी बहुत ज़्यादा। समाज में संत जी वापस आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? बदलाव तो बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, नशा वगैरह सब जैसे पहले जाते थे नौजवान वैसे अब जाने लग जाएंगे, विश्वास उनका फिर से वैसे ही हो जाएगा। अब कुछ प्रेमी हैं जो छोड़ गए हैं सरसा जाना। क्या मांग करोगे सरकार से गुरुजी के लिए? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो जे चिट्ठी के आधार पर उन्हें जेल में बंद किया हुआ है ये गलत है, और ये केसेस की द्वारा पूरी डिटेल के साथ कार्रवाई की जाए और गुरुजी को बाहर निकालना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। द्वारा जांच की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारे देश के नौजवानों की बातचीत, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबकी बातचीत आपको सीधी दिखाते हैं, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधी पब्लिक की कवरेज आपको दिखाते हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।